हेलो यूर, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 25 की, जो कि 30 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। यह कक्षा 6 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चा, हमारा पाठ चल रहा है सजीव है उनके परिवेश, और आज हम पढ़ेंगे जीवों की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है और आज के आपके पाठ में आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्या भोजन सभी की आवश्यकता है? सजीवों को उनके अंदर होने वाली अन्य जैव पराक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए भोजन जरूरी है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार पौधों की वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करता है। यानी कि जितने भी सजीव हैं बच्चों, उन्हें अपने जैव पराक्रम या अपने हर दिन के कार्य करने के लिए कुछ ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और इस ऊर्जा की ज़रूरत को भोजन की पूर्ति करता है। उसी प्रकार पौधों में भी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा होता है। बच्चों, अब बात आती है सजीवों में श्वसन के बारे में। क्या सभी सजीवों में क्या श्वसन होता है? तो बच्चों, श्वसन सभी सजीवों को जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न होता है, जैसे कैचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, मछली गिल्स की सहायता से जल में घुली हुई ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। यानी कि श्वसन तो हर जीव में होता है, और उसका कारण यह है कि उसी के द्वारा जो हमारे भोजन में ऊर्जा हमने ग्रहण की है, वो हमें ऊर्जा प्रदान करेगी। अब यह तरीका भिन्न हो सकता है कि वो श्वास कैसे लेते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है कैचुए अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं, मछलियाँ गिल्स के द्वारा सांस लेती है, और नीचे एक उदाहरण दिया है बच्चों पौधों में छोटे छोटे पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि वायु के अंदर आने और जाने के रास्ते के लिए काम करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। बच्चों, ठीक है बच्चों, अब बात आती है क्या सजीवों में वृद्धि होती है? तो सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। बच्चों, अब आखिरी चीज़ क्या है? श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर। तो श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में क्या अंतर है? सांस लेने की प्रक्रिया कोशिका और पर्यावरण के बीच गैसों को सांस लेने और छोड़ने की एक जैविक प्रक्रिया है। श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका के भीतर होती है। बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपके कार्यपत्रक के बारे में। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। अभ्यास में है, पहले नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं? तो ये तीन जीव दिए हुए हैं आपको बच्चों, ये भोजन में क्या खाते हैं ये बताना आपको। तो सबसे पहला है बिल्ली। बिल्ली भोजन में चूहों को खाती है या मांस को खाती है बच्चों। फिर है चींटी। चींटी को हम ज़्यादातर ये कहते हैं कि ये मीठी चीज़ या चीनी खाती है। आखिरी में हिरण। हिरण घास खाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न है कि इन पांच चीज़ों के नाम लिखिए जिसमें वृद्धि नहीं होती। तो कोई भी निर्जीव वस्तु जिसका आप नाम लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। एक चीज़ ये देखिएगा कि आप कंफ्यूज होकर के अपने पैंट शर्ट का नाम मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर साल वो नई बनती है। बच्चों के माता पिता उसे नया बनवाते हैं। इस साल कोरोना की वजह से आपकी जो ड्रेस है, हो सकता है ना बनवाई गई हो, पर हर साल आपका माप बदलता है, इसी वजह से वो नहीं बनती है। और आपका माप बदलता है इसलिए बनती है वो, ये नहीं कि उसके आपके पैंट शर्ट का नाम में वृद्धि हो जाती है इस वजह से। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला आपका मोबाइल हो सकता है, जो आप रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आपका पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वृद्धि नहीं करती और आप रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुख्यतः निर्जीव वस्तु है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है, सांस लेना एक डैश प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक डैश प्रक्रिया है। तो सांस लेना एक जैविक प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कम्प्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।